तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? हम आ गए हमारे पार्ट 3 में, मतलब जो छत्तीसगढ़ के व्लॉग के जो हमने पार्ट शूट किए हैं तो उसका ये पार्ट 3 है। तो जिस मतलब हम आज ही पहुँचे, मतलब आज सुबह पहुँचे, तो आज शाम से दोपहर तक आराम किया भाई। और शाम को हम जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन पॉइंट करके जगह है वहाँ पे चले गए। तो स्टार्टिंग में जो आपने आवाज़ सुनी तो वो करण भाई की है, जिनके हम रुके हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब लगा वहाँ पे रुक के, काफ़ी अच्छा अच्छी जगह है, एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ का भी एटमोसफियर अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रखा है। एक तरह से इस जगह को यार लोअर पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर पेड़ के नीचे आपको कपल दिखाई देगा। पेड़ एक ही होगा पर उसके नीचे दो या तीन, मतलब ये मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जोड़ी में हर कोई दिखता है यहाँ पे। ऐसा लगता है हम ही एक रेंडम इंसान घूम रहे हैं अभी, क्या बोल सकते हैं अभी। आप यहाँ पे जब जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे आपको लवर्स ही दिखाई देंगे। और यार वीडियो क्वालिटी के लिए सॉरी, जैसे कि मैं अभी फ़ोन जो हाथ में लेकर चल रहा था, ये जो सारे व्लॉग मैंने मेरे मोबाइल से शूट किए हैं तो क्वालिटी आप देख ही सकते हैं। तो हेलो करण भाई, तो यही वो करण भाई है जिनके यहाँ हम रुके। तो सुबह तक मतलब पहुँचे 7 को, दोपहर तक पूरा आराम किया और शाम के तकरीबन 6 या 7 बजे, मतलब यार टाइम तो मैंने वैसे नहीं देखा, तो उस टाइम हम घर से निकले बाहर घूमने को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है घूमने के लिए यार। पर यहाँ पे टिकट हर जगह लगता है, कहीं पे भी जाओ यार 15 से 20 रुपये ले ही लेते हैं एक इंसान के। तो ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा अंबिकापुर का जो व्यू है आप मतलब देख सकते हैं। हम जो है रायपुर के, मतलब जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, उसके तकरीबन 300 या 400 किलोमीटर आगे है। मतलब मैंने मुझे ऐसा एक्यूरेट नहीं मालूम, पर उसके कुछ तो भी मतलब बहुत आगे है हम अभी। जैसे वहाँ पे जो मैचेस चल रही थी लेजेंड्स की, तो सारे पुराने प्लेयर खेल रहे थे, तो पता होता तो वो मैच भी देखने जाते यार, पर हमको नहीं पता था कि रायपुर में मैचें चल रही है। तो ये जो मैं फास्ट चल रहा था उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि वीडियो काफ़ी हिल रहा था, क्योंकि यार यहाँ पे जो ढलान काफ़ी थी, ये देख सकते हैं आप ढलान या आगे जा रहे हैं। और आगे जाके यार हमको वो देख सकते हैं आप, एक सामने जो खंभे वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे दो मतलब कपल, मतलब दो लवर्स बैठे थे, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते यार, तो इसलिए पीछे रुक जाएंगे, उनके जाने के बाद वापस जाएंगे। और मुझे तो लगता है यहाँ से लीला मर्जी में माथा टेक कर गए होंगे, क्योंकि यार बहुत ही मतलब इतने ज़्यादा कपल्स यहाँ पे दिखाई दे कि यार वो बता नहीं सकते। एटमोसफियर काफ़ी ऐसा फ्री लगता है मुझे, जैसे घर वालों का कोई टेंशन नहीं वगैरह वगैरह ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे मतलब लड़का लड़की जो बहुत साथ में घूमते थे, मतलब यार ये तो पुरानी बात हो गई कि साथ में नहीं घूमना चाहिए, पर जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे जो ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो यहाँ पे आके मतलब काफ़ी नया लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना अच्छा मतलब एटमोसफियर है, काफ़ी जंगल जंगल और ऑफ रोड, मतलब काफ़ी मतलब यार मज़ा आता है यहाँ पे घूमने के लिए। अभी हम थोड़ा लेट हो गए थे जैसा करण भाई ने बताया, नहीं तो काफ़ी अच्छा अच्छा नज़ारा जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अभी लाइटें वाइटें शुरू हो गई है गांव की, तो अभी दोपहर को तो ऐसा नहीं लगता बड़ा गाँव, अभी जब शाम होती है ना तब सारी लाइटें जो जल जाती है, तब मतलब जो शहर की जो है लेंथ और जो साइज़ है वो पता चलती है। अभी हम उस साइड चलते हैं, तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा मतलब शहर कितना बड़ा है। और जो सामने आपको दो जो ऐसे मतलब टेकड़ी ऐसा जो दिख रहा है ना यार, टेकड़ी तो मराठी शब्द हो गया, तो वो सामने जो दिख रहा है आपको वो आई पे मतलब उसके थोड़ा करीबी रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से कितना दूर होगा रेलवे स्टेशन आप पता मतलब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जगह है ऑक्सीजन पॉइंट, बस सांस के लिए इतना ही। मिलते हैं गाइस पार्ट 4 में। एक मिनट।